चलिए अब बड़ी खबर देख लेते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर से एक खबर है, आबकारी आयुक्त महादेव काबरे औचक निरीक्षण पर निकले। बिलासपुर में वेलकम डिस्टिलरी का औचक निरीक्षण किया और मुंगेली में आसवानी भाटिया वाइन्स का भी औचक निरीक्षण किया गया। वेलकम डिस्टिलरी को नोटिस जारी कर साफ सफाई दर और स्टॉक लेकर नाराजगी जताई है। कार्रवाई के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। मुंगेली में आसवानी भाटिया वाइन्स का भी औचक निरीक्षण किया गया है। वेलकम डिस्टिलरी को भी नोटिस जारी किया गया है। तो बिलासपुर से एक खबर है, आबकारी आयुक्त महादेव काबरे औचक निरीक्षण पर निकले हैं। इस दौरान उन्होंने डिस्टिलरी का भी निरीक्षण किया और वेलकम डिस्टिलरी का भी औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की है। कई निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुंगेली में आसवानी भाटिया वाइन्स का भी निरीक्षण किया है आबकारी आयुक्त ने। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, आबकारी आयुक्त एक्शन मोड पर नजर आए और कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार चुनाव नजदीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं आबकारी विभाग भी अलर्ट है, लगातार उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और एक बार फिर आबकारी आयुक्त महादेव कावरे ने जो डिस्टिलरी वेलकम डिस्टिलरी है वहां निरीक्षण किया है। यहाँ शराब बनाई जाती है और तमाम जो जानकारी थी उनको सूचनाएं मिली थी कि यहाँ जो काम है वो ठीक से नहीं होती है, जिस पर के आज जो महाआयुक्त है उन्होंने वहाँ छापेमारी की। जब छापेमारी की तो पता चला है कि वहाँ जो स्थिति थी साफ सफाई नहीं थी, सूची स्टॉक की सूची नहीं थी उनकी, और जो लेबल होती है जो मार्क होती है उनके मूल्य की वो नहीं थी। तो तमाम सभी बातों को लेकर के जो आबकारी के आयुक्त है उन्होंने नोटिस जारी किया है वेलकम डिस्टिलरी को और साफ तौर पर जवाब भी मांगा है कि संतुष्ट जवाब नहीं पाए जाने पर कार्रवाई करने के भी निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। और साफ तौर पर ये देखा जा रहा है लगातार स्टॉक की जो है ऐसे में जो कितनी भी उत्पादन हो रही है और रही है निर्यात, तो ये तमाम सभी दस्तावेज उन्हें पुख्ता रखनी होगी, अगर नहीं होती है तो कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। जी जी सुधीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, आबकारी आयुक्त ने कार्रवाई की है। महादेव कावरे ने औचक निरीक्षण के दौरान एक डिस्टिलरी और एक वाइन की कंपनी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।